श्री रेवती त्रिपुरा जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर मैं अर्जुन मुंडा जी ने जो अमेंडमेंट बिल लाए दालंग ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूशन के लिए, मैं पॉक्स में इन फेवर में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। सर मैं मेन चर्चा में जाने से पहले मैं त्रिपुरा का थोड़ा सा इतिहास मैं दोहराना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे एमपीज़ ने पूरा इंडिया में ट्राइबल के बारे में चर्चा किया। मैं भी बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरा में भी ट्राइबल लोगों का उसी हाल है, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ एक समय ऐसा था कि जो अभी ट्राइबल या जनजाति हम लोग बोलते हैं, त्रिपुरा में 183 राजाओं ने राज किया पहले, और भारत जब स्वाधीन हुआ उस समय त्रिपुरा एक स्वाधीन राज्यों के तौर पे उस समय इंडिया से अलग था। 1949 में त्रिपुरा इंडिया के साथ मार्च किया, और उसी दिन से अभी त्रिपुरा इंडिया का एक स्टेट के रूप में इंडिया में हूँ। जैसे कि 1949 के बाद 1971 तक अगर देखा जाए, बांग्लादेश जो फ्रीडम के लिए जब मूवमेंट चल रहा था, 50 से 51 से लेकर 71 तक बांग्लादेश से बहुत माइग्रेंट त्रिपुरा में हुआ, और जहां जनजाति संख्या एक समय 80 से 85% था, वो कम होते होते अभी सिर्फ 31% हो गया त्रिपुरा में। अभी 19 कम्युनिटी है त्रिपुरा में, और 19 कम्युनिटी में कुकी कम्युनिटी भी एक है, लेकिन उसमें अभी जो बिल लाया गया, दालोंग जो ट्राइब है, ये दालोंग जो समुदाय ये खुद को कुकी बोलने में ये राजी नहीं है, क्योंकि वहाँ का रीजनल जो लैंग्वेज उसमें कुकी का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, तो इसलिए ये लोग बहुत सालों से इन लोगों का मांग था कि इन लोगों को अलग एक स्टेटस दिया जाए और शेड्यूल ट्राइब में भी इन लोगों को इंक्लूड किया जाए। त्रिपुरा सरकार ने, खास करके बीजेपी सरकार जब से त्रिपुरा में आए 2018 से, हम लोगों ने जनजातियों के विकास के लिए काम करना शुरू किया। एक समय यह भी देखा गया, यह कांग्रेसों का साथियों ने, एक दो साथियों ने, खास करके प्रद्युत बदलोई जी और जम्मू कश्मीर से मसूदी जी, इन्होंने भी चर्चा में भाग लिया, और बहुत सारे उदाहरण इन्होंने भी दिया। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस और बाकी जितना भी सरकार केंद्र में हो या तो त्रिपुरा में, अगर शुरू से इस विषय को गंभीरता से देखता तो और बहुत साल पहले ये काम हो सकता था, लेकिन त्रिपुरा में सिर्फ 2018 से बीजेपी 4 साल हो गया, बाकी 25 साल त्रिपुरा में कम्युनिस्ट का शासन था उससे पहले भी, और बाकी कांग्रेस का राज था, लेकिन कभी भी सीपीएम हो या कांग्रेस हो, कभी भी जनजातियों का विकास के लिए काम नहीं की। तो इसीलिए एक समय त्रिपुरा में ये मांग भी उठा कि 1949 में हम लोग इंडिया के साथ मार्च किया था, लेकिन ये भूल था, और इसीलिए ये भी मांग उठा था कि
हम लोग फिर अलग होंगे। तो अभी भी सर त्रिपुरा में कुछ लोग अभी कोई त्रिपुरा लैंड के लिए, कोई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए ये भी मांग आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये जो कांग्रेस और बाकी जितना भी दल त्रिपुरा को शासन किया, इन लोगों का गलत जो पॉलिसी था उसके वजह से हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और अर्जुन मुंडा जी को ये बिल लाने के लिए, और खास करके राज्य सरकार विप्लव देव जी की नेतृत्व में जो राज्य सरकार अभी काम कर रही है वहाँ, क्योंकि राज्य सरकार ने इससे पहले एक फील्ड स्टडी किया और इस दालोंग कम्युनिटी के बारे में रिसर्च किया और इसमें जो रिपोर्ट आया दिखा गया कि दालोंग कम्युनिटी में शिक्षित का जो संख्या है वो बहुत, सर एक मिनट, बहुत ज़्यादा है। और तापिर गांव जी ने ये भी बोला कि एक थंगा दालोंग जी को कल्चर और इनका कल्चर के क्षेत्र में इनका जो योगदान उसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। तो ये अच्छा उद्योग है। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में जो टीटी एडीसी तापिर गांव जी ने भी बोला वहाँ थ्री टायर सिस्टम जो पंचायत में जिस तहत वो फंड दिया जाता है और टीटी एडीसी में वो नहीं दिया जा रहा है। तो 125 जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट वो भी पेंडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रेवती जी, वो देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री इंद्र हैंग सुब्बा जी।